नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में निजी स्कूल खोलना अब होगा मुश्किल। बिहार में जल्द खत्म होंगे ग्राम कचहरी सचिव के 1000 पद। मनरेगा में गड़बड़ी करने वाले हो जाए सावधान। बिहार के 30 जिलों में उमस भरी गर्मी करेगी परेशान। अब नेपाल जाना होगा आसान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में निजी स्कूल खोलना अब होगा मुश्किल। अगर आप भी बिहार में निजी स्कूल खोलने की सोच रहे हैं तो ये अब काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब सीबीएसई और आईसीएसई का एफिलिएशन प्राप्त करना आसान नहीं होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं, जिसके तहत ही अब स्कूल प्रबंधन को एनओसी के लिए शिक्षा विभाग से स्थल निरीक्षण और भौतिक सत्यापन कराना जरूरी होगा। और नए आवेदन में स्कूल के बारे में जो भी जानकारी दी जाएगी उसके आलोक में ही जांच टीम निरीक्षण करेगी और संतुष्ट होने पर जियो मैपिंग कराकर रिपोर्ट देगी। स्कूल की मान्यता के लिए 1 एकड़ जमीन अनिवार्य और सिर्फ रजिस्टर्ड सोसाइटी को प्राइवेट स्कूल खोलने की मान्यता मिलेगी। स्कूलों के प्रस्ताव पर भी विचार होगा जब निर्धारित अर्हता पूरी होगी। इसमें खासतौर से शहरी क्षेत्र में कम से कम 1 एकड़, अनुमंडल में 1.5 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 2 एकड़ जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। बिहार में जल्द खत्म होंगे ग्राम कचहरी सचिव के 1000 पद। बिहार में ग्राम कचहरी सचिव के 1000 से अधिक खाली पदों पर सरकार ने जल्द ही नियोजन किए जाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही लगभग 7000 सचिवों की सेवा अवधि को भी विस्तार कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग में इसको लेकर शनिवार को आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के फैसले से सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जानकारों की माने तो पंचायत चुनाव के बाद सभी ग्राम कचहरियों का गठन नए सिरे से कर दिया गया है। इसमें पहले से कार्यरत सचिव ही आगे अपने दायित्व को निभा सकते हैं। इन प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए दोगुने आ रहे हैं आवेदन। बिहार में लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत बनने वाले तमाम कागजात को लेकर इन दिनों दोगुना आवेदन आ रहा है, जिसके तहत जाति, आय, आवासीय और अन्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके कारण सर्वर पर लोड बढ़ता जा रहा है। साथ ही इसके परिणाम स्वरूप प्रमाण पत्र बनने के बाद भी लोगों को वो तय समय पर नहीं मिल पा रहा है। हालांकि शनिवार को रिकॉर्ड 1,89,000 से अधिक आवेदनों को निष्पादित किया गया। बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक संतोष कुमार मल्ल की माने तो गुरुवार को सर्वे में तकनीकी खराबी आई थी, जिसे उसी रात दुरुस्त कर लिया गया था, जो कि अभी कई पाठ्यक्रम के लिए नामांकन का दौर चल रहा है। इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग समेत विभिन्न विभागों के बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है, इसी कारण प्रमाण पत्र बनाने की होड़ मची हुई है। कृषि यंत्रों के 400 करोड़ का बाजार सिमटा। बिहार में कृषि यंत्रीकरण पूरी तरह से सरकारी सहायता पर निर्भर रहती है। किसानों की आमदनी क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं है कि वो बिना सरकारी सहायता से महंगे कृषि यंत्र की खरीदारी कर सके, यही कारण भी है कि राज्य सरकार ने 1 साल यंत्र पर अनुदान देना बंद कर दिया है। तो कृषि यंत्रों की संख्यात्मक खरीदारी 1/3 ही रह गई है और यंत्र खरीद का बाजार धराशाही हो गया है। इस अवधि में जो यंत्र खरीदे भी गए हैं उसमें सस्ते पंप सेट का योगदान 95% से ज्यादा बताया गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि यंत्र पर अनुदान देना बंद कर दिया था, जिसका सीधा असर कृषि यंत्रों के बाजार पर पड़ा है। जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में कृषि यंत्रों का 400 करोड़ का व्यापार सरकारी सहायता के अभाव से मात्र 20 करोड़ पर सिमट गया है। मनरेगा में गड़बड़ी करने वाले हो जाए सावधान। बिहार सरकार ने मनरेगा में गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कसने की एक अलग से मुहिम शुरू कर दी है, जिसके तहत ही मनरेगा के बारे में आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन कर दिया गया है, जिसके बाद ही आप किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत जिले के बाद राज्य स्तर पर लोकपाल से आसानी से की जा सकती है। ग्रामीण विकास विभाग ने राधा किशोर झा को लोकपाल का अध्यक्ष और देवेश नाथ दीक्षित को सचिव बना दिया है। जिला स्तरीय निर्णय को 15 दिनों के अंदर राज्य स्तरीय लोकपाल के सामने चुनौती दी जा सकती है। केंद्र सरकार के निर्देश पर ही यह प्रावधान किया गया है। इसको लेकर ग्रामीण विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा लोकपाल के अध्यक्ष और सचिव कार्यालय बनाए गए हैं। इसके बाद ही अब मनरेगा के तहत धांधली करना बिल्कुल नामुमकिन है। बिहार के 30 जिलों में उमस भरी गर्मी करेगी परेशान। बिहार में बारिश के कारण खुशनुमा हुआ मौसम अब एक बार फिर से तपती गर्मी में तब्दील होता जा रहा है। आज भी सुबह से गर्मी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। इसी बीच मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 15 मई से लेकर के 18 मई तक बिहार के 30 जिलों में उमस भरी गर्मी का अलर्ट जारी किया है। खासतौर से 8 जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार उत्तरी बिहार में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर हो सकती है। वहीं 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट यानी कि सतर्क रहने की अभी 16 मई के लिए भी अलर्ट जताई गई है। अब नेपाल जाना होगा आसान। बिहार में बढ़ती तपिश को देखते हुए सभी स्कूलों ने छोटे बच्चों को गर्मी की छुट्टी दे दी है। ऐसे में अगर आप भी परिवार के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पहली बार नेपाल के विशेष स्थान के यात्रा के लिए रॉयल नेपाल टूर पैकेज जारी कर दिया है। ये यात्रा 28 मई से शुरू होने वाली है और 4 जून को वापस पटना पहुंचेगी। एयर कंडीशन लग्जरी बस से होने वाली इस यात्रा का शुभारंभ गया से होगा और जहानाबाद, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए नेपाल जाएगी। प्रति यात्री 23,680 किराया देना होगा। सेट महाप्रबंधक राजेश कुमार की माने तो IRCTC की वेबसाइट या फिर विस्कोमान क्षेत्रीय कार्यालय आकर बुकिंग करवा सकते हैं। इस यात्रा में नेपाल के आर्थिक के अलावा प्राकृतिक स्थानों को भी चयन किया गया है। बिहार में एक और हवाई अड्डा शुरू करने की तेज हुई कवायद। बिहार में एक और हवाई अड्डा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। बिहार के रक्सौल एयरपोर्ट के दिन अब जल्द ही सवरने वाले हैं। इसको चालू करने के लिए सरकार ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट की मांग की है, जिसे तैयार किया जा रहा है। जल्द ही रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाएगी। बीते दिनों राज्य के मुख्य सचिव ने राज्य के हवाई अड्डों के विस्तार को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें रक्सौल एयरपोर्ट की भी चर्चा हुई। करीब 154 एकड़ में फैले पंटोका पंचायत के सीमावर्ती हरैया गांव स्थित एयरपोर्ट संचालन की दृष्टि से उपयुक्त है। जरूरी भूमि उपलब्ध है। नेपाल सीमा पर होने के कारण यात्रियों की संख्या भी अच्छी खासी मिल सकती है। इसका क्षेत्रफल करीब 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। वर्तमान में इस परिसर में SSB 13वीं बटालियन का VOP भी संचालित है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक सभा में तारकिशोर प्रसाद को बताया बिहार का मुख्यमंत्री। केंद्रीय परिवहन और सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान तारकिशोर प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया, जिसके बाद से ही बिहार के राजनीतिक गलियारे में लगातार चर्चाएं तेज हो गई है। कोई कह रहा है कि शायद गडकरी की जुबान फिसल गई होगी, तो कोई इसे भविष्य की राजनीति के देख रहा है। जानकारों की माने तो जुबान फिसली नहीं बल्कि फिसलाई गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस वक्त यह वाक्य हुआ वो मौका था बिहार में पटना और भोजपुर जिले के बीच सोन नदी पर बने कोइलवर पुल के 3 दिन के उद्घाटन का। इस पुल का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। उद्घाटन समारोह में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इसी दौरान उन्होंने उक्त बातें कही हैं। तेजस्वी यादव ने इस मामले में सीएम नीतीश के साथ होने की कही बात। बिहार में पक्ष और विपक्ष आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन इस बार एक मामले को लेकर बिहार की नीतीश सरकार और विपक्ष के साथ एक है, जिसके संकेत तेजस्वी यादव ने दिए हैं। बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना आज सबसे बड़ी जरूरत है। हम लोगों की कोशिश थी कि पूरे देश में ऐसे कराया जाए जिससे कोई अतिरिक्त खर्च ना हो, सिर्फ एक कॉलम जोड़ना है, लेकिन गृहमंत्री ने इससे मना कर दिया है। अब देश में ना कहीं कम से कम बिहार में जातिगत जनगणना कराई जाए, इसके लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है। बिहार में कल हुए कोइलवर पुल के उद्घाटन के पोस्टर के बाद से नेता प्रतिपक्ष ने भी अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने इसे गलत करार दिया है। छात्रों की समस्याओं को लेकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष से मिले सुशील मोदी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने 2014 से पहले के नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मांगे जाने से छात्रों को हो रही परेशानी को लेकर चिंता व्यक्त की है। साथ ही इस बाबत बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार से मुलाकात की और उनसे छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर जल्द उचित रास्ता निकालने का आग्रह किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी के साथ आयोग के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार से मिलकर इंटर परीक्षा में 2014 से पहले का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट काउंसलिंग के समय मांगने के संबंध में बातचीत की है और उन्हें छात्रों की समस्या से अवगत करवाया है। इसके बाद में मोदी ने पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आयोग की अध्यक्ष से छात्रों के भविष्य को देखते हुए जल्द कोई उचित रास्ता निकालने का आग्रह भी किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा और जदयू में कलह होने के दिए संकेत। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जारी राजनीति अब सियासी रंग लेने लगी है। बिहार में जल्द जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में इस मुद्दे को लेकर सब कुछ ठीक नहीं होने की बात भी कही जा रही है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से दिए गए विवादित बयान को भी समय भी अब नहीं गुजरा है, जिसमें उन्होंने तेजस्वी के इशारों पर सरकार नहीं चलने की बात कही थी, लेकिन तुरंत ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत ही भाजपा पर हमला करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कारण जाति जनगणना में देरी हो रही है, उन्हीं के कारण सर्वदलीय बैठक नहीं हो पा रही है, जातीय जनगणना को लेकर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। हालांकि उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। बिहार में एक एक कर दिल्ली जा रहे हैं भाजपा कोटे के मंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच बिहार से एक एक करके भाजपा कोटे के मंत्री का दिल्ली जाना लगा हुआ है, जिसके तहत ही ये सभी मंत्री दिल्ली जाकर पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात इसीलिए काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि बिहार में मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की चर्चाएं चल रही है। जदयू पहले ही
साफ कर चुकी है कि ये परिवर्तन भाजपा की तरफ से ही प्रस्तावित है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में भाजपा मंत्रिमंडल में कुछ चेहरों को बदलकर नए लोगों को कमान सौंपना चाह रही है। इससे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व हर स्तर पर नेताओं से फीडबैक ले रहा है। हालांकि मंत्रियों का यह दिल्ली दौरा आखिर के संदर्भ में है, ये फिलहाल तय नहीं है। हाल ही में बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी दिल्ली जाकर पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाना है। बिहार में मिले कोविड-19 के 10 से कम मामले बिहार समेत देश भर में कोविड-19 के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 6 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 37 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो भोजपुर में 1, जहानाबाद में 1, पटना में 2, सहरसा में 1 और वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,03,560 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 17 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं अगर हम देश भर में जारी किए गए कोविड-19 के ताजा मामलों की बात करें तो कुल मिलाकर 2487 मामलों की पुष्टि हुई है। कोलकाता ने बदला प्लेऑफ का समीकरण। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने शनिवार देर रात केन विलियमसन की सनराइजर हैदराबाद पर 54 रनों से जीत दर्ज की है। इसी के साथ केकेआर पॉइंट टेबल में 6 पायदान पर पहुंच गई है। इसके बाद ही केकेआर ने प्लेऑफ में पहुंचने का पूरा समीकरण ही बदल दिया, क्योंकि 12 मैच में हैदराबाद की 7वीं हार रही और बाकी 2 मैच जीतने के बावजूद टीम केकेआर की तरह 14 अंक पर पहुंच सकती है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के पास 16 अंक तक पहुंचने का मौका है। केकेआर के खिलाफ मैच से पहले केन विलियमसन की टीम के पास उम्मीद थी कि वो भी सीजन में 16 अंक तक पहुंच सकते हैं, मगर केकेआर ने उनका पूरा समीकरण ही खराब कर दिया। इसके बाद इस हार के साथ ही 8वें पायदान पर हैदराबाद खिसक गई है। टीम को अगले 2 मुकाबले मुंबई और पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलने हैं। अगर टीम ये दोनों मैच जीत जाती है तो भी 14 अंक ही पहुंच पाएगी। ऐसे में उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद केकेआर की तरह काफी कम हो गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है मिथुन कुमार पंडित, मनु कुमार, राकेश कुमार, शंकर मुखिया, कुलदीप कुमार, कुश कुमार यादव, महेश दास, मंतोष कुमार, सलीम भाई, परमजीत प्रसाद, सचिन कुमार, अक्षय कुमार, राधा रानी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस बार के IPL मुकाबले में कौन सी टीम फाइनल में जाने में कामयाब रहेगी? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।